इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। राजसमंद के खमनोर तहसील के सायो का खेड़ा ग्राम पंचायत वागा की वेर भागल में दो मासूमों के कुएं में मिले शवों के मामले का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस मामले में मेवाड़ राजपूत कृषक महासभा की ओर से पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि बालूसिंह खरावड़ के दो मासूम जुड़वा बच्चे जो कि 2 सितंबर को घर से गायब हो गए, उनके शव शनिवार को गांव के कुएं में मिले। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है अब तक इन मासूमों के संदिग्ध हालात में मिले शव मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते परिजनों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इन मासूमों की मौत मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए। साथ ही इस मौके पर महासभा की ओर से चेतावनी भी दी गई कि इस मामले में पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो महासभा के नेतृत्व में समाजजन धरना प्रदर्शन करने की राह पर चलेंगे। हम प्रतिनिधि मंडल पूरा सायों का खेड़ा नादवारा तहसील के दो मासूम बच्चों के हत्या के मतलब कार्रवाई हेतु आईजी साहब से के ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको मौत की सजा देने तक क्या कार्रवाई की जाए। ये सब हमने मिलकर के और कल भी हमने वहाँ थाने में जाकर के प्रदर्शन किया और पूरी शक्ति के साथ ये कार्रवाई करने के लिए वहाँ प्रशासन पे प्रेशर डाला और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तुरंत 5 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। धन्यवाद। राजपूत समाज का एक बच्चा होने के नाते पूरे समाज के साथ मिलकर हमारे पूरे समाज के और 36 कौम के साथियों ने कल जो खमनौर थाने के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया था, सायों का खेड़ा में हमारे समाज के 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर जो गांव के ही पास एक कुएं में डाल दिया गया था, पूरे समाज में ही नहीं अपितु 36 कौम में एक भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया था पिछले 5 दिनों से और हर व्यक्ति का खाना पीना दुभर हो गया था। सबको अपने काम धंधे छोड़कर पिछले 5 दिन से पूरा समाज और पूरा नाथद्वारा क्षेत्र और हमारा पूरा राजपूत समाज नाथद्वारा राजसमंद उदयपुर मिले और हम राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल आईजी साहब से इसी मामले में गहन जाँच हेतु दोषियों को सख्त कार्रवाई देने के लिए हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल आईजी साहब से मिला और बहुत ही साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी और खुद साहब खुद साहब ने खुद ने कहा है कि हम मैं खुद राजसमंद जाके देखूंगा इस मैटर को और साहब ने खुद ने बताया कि मुझे ध्यान में है पूरा मैटर। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कि जो दोषी हैं उन्हें किस हर हाल में सजा होनी चाहिए। 36 कौम की ओर से हमारे समाज के प्रतिनिधिमंडल ने हमने जो ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई हो, दोषियों को सख्त सजा हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, प्रशासन से हमारी यही अपील है।